अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदियां रोड आमद, इलीट फोर्स और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की मेंटेनेंस के लिए तमाम इजला को तहरीरी हदायत जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की मेंटेनेंस के हवाले से अहम वीडियो पैगाम देखिए इसी बुलेटिन में। PSL 9 के हवाले से पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना PSL के पुरअमन इनकाद के लिए कोशां। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 61,662 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,435 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया। 44,715 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,959 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 487 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। पुलिस डॉग्स ब्रीडिंग सेंटर एंड ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में पंजाब पुलिस के 6 रिटायर्ड सराग रसां कुत्तों को गोद लेने की तकरीब में रिटायर्ड होने वाले सराग रसां कुत्तों को शानदार खिदमात के एतराफ में मेडल्स और तारीफी इसनाद से भी नवाजा गया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदियां रोड आमद, एलीट फोर्स और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस ऑफिसर से मुलाकात भी की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि तमाम पुलिस ऑफिसर जांफशानी और प्रोफेशनल अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एलीट फोर्स ऑफिसर्स ब्लॉक, हाईवे पुलिस ऑफिसर्स ब्लॉक और पंजाब हाईवे कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। सुबह भर में बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। IG पंजाब और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की मेंटेनेंस के लिए तमाम इजला को तहरीरी हदायत जारी कर दी गई हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की मेंटेनेंस के हवाले से अहम पैगाम देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये देखने में आया है कि किसी सरकारी इमारत के अंदर दाखिल होते के साथ ये बता दिया जाता है कि सरकारी इमारत है, पेंट उखड़ा हुआ, एक कुर्सी दूसरी कुर्सी से नहीं मिलती, रवैया ख़राब, बुसीदा इमारत, पुरानी तारें लटकी हुई, एक बल्ब लटका। पंजाब पुलिस के थाने भी ऐसे ही थे जहाँ आप आके बैठा करते थे, कोई एक आध बैंक टूटा पर जा पड़ा होता था। हमने फैसला किया कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के प्रेडिक्टेबल प्रोसेस के साथ फ्रंट एंड जहाँ पे आपने आना है उनको इंतहाई साफ कर देंगे। हमने कर दिखाया, 1 किलोमीटर की रिंग रोड की कॉस्ट में पूरे पंजाब के थाने ठीक कर दिए। सवाल ये पैदा होता है कि इतने खूबसूरत थाने बना दिए, ये मेनटेन कैसे होंगे, इनका पैसा कहाँ से आएगा, पुलिस वाले चीज़ें चोरी करके ले जाएंगे, लोग चीज़ें तोड़ देंगे। पाकिस्तान में चीज़ें अच्छी होती रहती हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया जाता, उसका प्रोसेस नहीं बनाया जाता, सिस्टम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये थानेदारों ने, ये हमारे SHOs ने, हमारे DSPs ने अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके इन थानों को ठीक किया है। हमारे कौम की माएँ और बेटियाँ खुद गई हैं इनके डिज़ाइनिंग के लिए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इसमें लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन की है, नए आइडियाज़ दिए हैं, तब ये थाने इतने खूबसूरत हुए हैं। पहली ट्रांच हर महीने हर थाने को मिलने की रिलीज़ कर दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये थाने मेंटेन भी होंगे और ज़्यादा खूबसूरत करके दिखाएंगे। इनमें प्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस हैं, क्यूमेटिक मशीन्स हैं, फ्रंट एंड पे कंप्यूटर्स हैं, UPS बेस्ड सिस्टम्स हैं, कैमरास लगे हुए हैं, तमाम थाने आपकी इंस्पेक्शन के लिए हाजिर हैं। आप लोगों ने जाके यहाँ शादियों के फ़ोटोशूट किए, बच्चे यहाँ पे बर्थडेज मनाने के लिए आते हैं, लोग हैरान होकर देखते हैं, कैनेडा और अमेरिका से फैमिलीज आके देखती हैं। हमारा दावा है कि हमारे ये थाने दुनिया के सबसे खूबसूरत सर्विस स्टेशंस हैं और ये इंशाल्लाह ताला एक नए निज़ाम और सिस्टम के साथ बहुत खूबसूरती से मेंटेन होंगे, क्योंकि ये हमने खुद किए हैं, क्योंकि ये हमारे और आपके अपने थाने हैं। पंजाब पुलिस को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के हर यूनिफॉर्म वाले को इज्जत दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी खातिर रातों को जागते हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं ताकि आप और आपके बच्चे महफूज रह सकें। ये थाने आपके हैं, इनको साफ़ रखने में हमारी मदद कीजिएगा और याद रखिएगा ये थाने इतने खूबसूरत होंगे कि आप अपने बाहर वाले दोस्तों को दिखा सकेंगे कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने PSL 9 के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना PSL के पुरअमन इनकाद के लिए कोशां है। एयरपोर्ट, होटल, स्टेडियम और तमाम रूट्स की सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होने वाले मैचेस की सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटी अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारे सेंटर से 24/7 ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। फील्ड में मौजूद मोबाइल कमांड व्हीकल के जरिए से भी लाइव मॉनिटरिंग जारी है। PSL मैचेस की इजाफी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक फील्ड स्टाफ की रहनुमाई की जाएगी। FM 88.6 शहरियों को ट्रैफिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखेगा। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में।
महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रिडार के मुताबिक इस वक्त मजमूरी तौर पे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 185, पंजाब यूनिवर्सिटी 170 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 195 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है और इससे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। पुलिस डॉग्स ब्रीडिंग सेंटर एंड ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में पंजाब पुलिस के 6 रिटायर्ड सरागरसा कुत्तों को गोद लेने की तकरीब का इनकार किया गया। पंजाब पुलिस और जानवरों के हकूक के लिए सरगर्म तंजीम के MOU के तहत रिटायर्ड सरागरसा कुत्तों को नए मालिकान के हवाले किया गया। कुत्तों को गोद लेने वाले शहरियों ने इनकी भरपूर देखभाल और तहफ्फुज़ के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच सुल्फकार हमीद का कहना था कि शहरियों को कुत्ते गोद देने का मकसद रिटायर्ड होने वाले स्नाइफर डॉग्स को ताहियात शेल्टर और अच्छी जिंदगी फ्राहम करना है। सरागरसा कुत्तों ने अपनी जिंदगियाँ शहरियों की जानों माल के तहफ्फुज़ की सर्विस में गुजारी और अहम फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेज़।